हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टू ब्यूटीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, ऑप्शन बी फ्री रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, ऑप्शन सी फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन डी कायरल कार्बन। सो क्वेश्चन हमको पूछा गया कि हमारा जो टू ब्यूटीन होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, उसके रीजन क्या है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो एक्सैक्टली व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? हम जानते हैं जो हमारा सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, सीस ट्रांस जो आइसोमर्स होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सीस कंपाउंड को लेकर ट्राई करता हूँ। सपोज हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सपोज है आर, यहाँ पे सपोज है एच। आर फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या है, एक एल्किल ग्रुप है। लेट्स से आर क्या है, आर है एक एल्किल ग्रुप, ठीक है। नाउ ये सिस कंपाउंड, तो देखो इसमें एक्चुअली है क्या, इसमें एक्चुअली हमारा है पाई बॉन्ड। क्या है इसमें, है पाई बॉन्ड, इजंट इट। सो ये जो पाई बॉन्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें क्या है, अगर ये डबल बॉन्ड मतलब रोटेट करे तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और हम जानते हैं कोई भी कंपाउंड अपना बॉन्ड को ब्रेक करना है नहीं चाहेगा जब तक ना बाहर से हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करें। तो ये अपने आप तो पाई बॉन्ड कोई ब्रेक नहीं करेगा, रोटेट करने का ट्राई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्रांस वाला जो है वो क्या है, सपोज हमारे पास ये है ट्रांस आर, ये पे है आर, ये पे एच, ये पे एच। तो अगर ये रोटेट करता तो क्या होता, ये रोटेट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये 180 रोटेट कर लेता, 180 रोटेट कर लेता, तो अपना रोटेशन क्या बन जाता, आर सी डबल बॉन्ड सी। अगर मैं मानता हूँ कि डबल बॉन्ड ब्रेक करके फिर से डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये बन जाता हमारे इधर एच या फिर आर। थोड़ा सा नोटिस करो, ये जो कंपाउंड है ये क्या है, एग्जैक्टली यही है, मतलब ट्रांस बन जाता। तो अगर ये रोटेशन पॉसिबल होता तो ये सीस से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता। पर हम जानते हैं कि जो सीस ट्रांस क्या होता है, कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो सीस ट्रांस एक्सैक्टली अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब सीस और ट्रांस क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट नहीं होता। अगर बॉन्ड रोटेट होता तो सीस से ट्रांस, ट्रांस से सीस इजीली बन जाता, तो आइसोमर्स डेफिनेटली नहीं होता। तो मैं बोल पाऊंगा मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बिल्कुल नहीं होता। तो मैं बोल पाऊंगा कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड जो होता है वो होगा इसका आंसर, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के बीच में रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो देखो फ्री रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, फ्री रोटेशन ऑप्शन नंबर बी में देखो बोल रहा है कि डबल बॉन्ड रोटेट करता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, डबल बॉन्ड को भी रोटेट कर ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट ये है देखो फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसमें जो फॉर एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड बात कर रहा हूँ, मैं अगर सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ सी डबल बॉन्ड सी, सपोज है हमारा सी आर आर आर, यहाँ पे है एच, यहाँ पे है सपोज एच, यहाँ पे सपोज हमारे पास है सी आर आर आर। अगर ये सिंगल बॉन्ड, अगर ये सिंगल बॉन्ड रोटेट कर भी रहा है, ये सिंगल बॉन्ड अगर रोटेट कर भी रहा है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, अपना बॉन्ड का पोजिशन तो चेंज नहीं होगा। अगर ये एटम मतलब बॉन्ड रोटेट करेगा तो ये एटम भी एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अगर ये सिंगल बॉन्ड रोटेट करेगा तो इन तीनों आर में क्या होगा, पोजिशन चेंज आएगा। बट आफ्टर ऑल हमारा जो सीस था वो सीस ही रहेगा, जो ट्रांस है ट्रांस रहेगा, सीस ट्रांस हमेशा डिपेंड करता है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड रोटेट कर भी रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो सी भी नहीं होगा। जो कायरल कार्बन, हम जानते हैं कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, अगर कार्बन पे चारों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर, इस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन, इजंट इट। इसमें डबल डबल बॉन्ड पे हमारे पास ये जो कार्बन में मार्क कर रहा हूँ, इस कार्बन पे एक है हाइड्रोजन, सपोज एक है हमारा लेट से सी आर थ्री, एक है हाइड्रोजन, एक है सी आर थ्री, दूसरा भी क्या है कार्बन है, बट चौथा कहाँ पे है। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो ये कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन नहीं बोल सकते। इवन हम जानते हैं कायरल कार्बन उसी कार्बन को बोलेंगे जहाँ पे कार्बन के थ्रू हमारा
सेकेंड काइंड ऑफ सिमेट्री एलिमेंट मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्शन या फिर रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री, दैट मीन्स एस एन। अगर तीनों में तीनों पास कर रहा है मतलब अगर तीनों के तीनों प्रेजेंट है और वो कार्बन से पास कर रहा है, तभी बोलेंगे वो कार्बन क्या है, एक्विलेटरल कार्बन। बट देखो हमारा ये जो कार्बन है, इस कार्बन में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है, ये जो मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल का जो प्लेन है, ये मॉलिक्यूल का जो प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन ही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री माना जाएगा इन दिस केस। ठीक, इसी के कारण मैं बोलूंगा ये जो कार्बन है ये एक्विलेटरल कार्बन है, ये क्या है, सिग्मा है। सिग्मा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये है एक्विलेटरल, एक काइरल हो ही नहीं सकता। इवन दो इसमें चार, देखो चार डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड है भी नहीं, एक तो पाई बॉन्ड है, हम इसको काइरल कार्बन कभी नहीं बोल सकते। तो ये मतलब या काइरल कार्बन कभी नहीं बोल सकते, दैट इज वाई लास्ट क्वेश्चन जो है काइरल कार्बन, ये तो आंसर नहीं होगा। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्री रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, दैट इज वाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है टू ब्यूटीन। अगर टू ब्यूटीन, मैं तो अभी एग्जाम्पल दिया, ऐसा बात करते टू ब्यूटीन, तो टू ब्यूटीन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री या फिर सी एच थ्री, मतलब कुछ भी नहीं, आर जो था आर एक्चुअली मिथाइल है, तो ये थे टू ब्यूटीन। तो इसका ये है सीस फॉर्म, और ट्रांस कौन सा होगा, यहाँ पे होगा सी एच थ्री, यहाँ पे होगा सी एच थ्री, यहाँ पे होगा एच, यहाँ पे होगा एच, तो ये होगा हमारा ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो देखो दोनों में क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन ए गोज टू द आंसर, ऑप्शन ए गोज टू द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।